नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में फरवरी का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी 1 से लेकर 28 फरवरी तक की समयावधि में ग्रहों की चाल के आधार पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, तो यह राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। और यह राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों के गोचर के परिणाम के ऊपर ही आधारित है। मिथुन राशि वाले जातकों, इस राशिफल के दौरान आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ धार्मिक उपाय। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पूर्व आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपके राशि के ऊपर किस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनी हुई रहने वाली है। देखिए, मंगल महाराज आपके राशि से द्वादश भाव पर पूरे महीने गोचर करने वाले हैं। राहु आपके लाभ भाव पर और केतु आपके राशि के संतान भाव पर पूरे महीने भर गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के दशम भाव पर स्वराशिगत होकर हंस नाम का राजयोग बना रहे हैं और पूरे महीने गोचर करने वाले हैं। इस महीने आपके राशि के स्वामी बुधदेव 7 फरवरी तक आपके राशि के सप्तम भाव पर गोचर करेंगे। उसके पश्चात ये आपके राशि के अष्टम भाव पर चले जाएंगे, जहां ये 26 फरवरी तक गोचर करने वाले हैं। सूर्यदेव महीने की शुरुआत से लेकर महीने के मध्य तक आपके राशि के अष्टम भाव पर गोचर करेंगे। उसके पश्चात ये आपके राशि के नवम भाव पर, यानी भाग्य भाव पर संचार करने वाले हैं। वहीं इस पूरे महीने शनिदेव आपके राशि के नवम भाव यानी भाग्य भाव पर गोचर करने वाले हैं, जहां पर 15 तारीख तक शुक्र भी इनके साथ गोचर करेंगे। उसके पश्चात शुक्र उच्च के होकर आपके राशि के दशम भाव पर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार की स्थितियां आपके जीवन में इन्हीं ग्रही स्थितियों के आधार पर देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कर्म क्षेत्र के मामले में, कैरियर के मामले में किस प्रकार की स्थितियां देखने के लिए मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र को। तो देखिए, गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि के कर्म भाव पर ही पूरे महीने भर गोचर करने वाले हैं। आपके राशि के स्वामी बुधदेव 7 तारीख तक आपके लगन भाव को देख रहे हैं। देखिए, महीने की जो शुरुआत हो रही है आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाली है। कर्म क्षेत्र के मामले में आपको श्रेष्ठता और अनुकूल परिणाम प्राप्त होने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों, यदि आप सकारात्मकता के साथ कर्म क्षेत्र में चलते हैं और टारगेट बनाकर यदि आप कार्य करते हैं, तो यह पूरा महीना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। शनिदेव आपके राशि के भाग्य भाव पर मौजूद हैं, तो नया व्यवसाय शुरू करने की यदि आप योजना बना रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। या किसी प्रकार के नवीन कार्य व्यवसाय की यदि आप तलाश कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता देखने के लिए मिल सकती है। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो अपने जीवन में नवीनीकरण आप करने के लिए, नवीन कार्य करने के लिए आप उत्साहित हो सकते हैं। इस दौरान आपको मान सम्मान भी काफी ज्यादा देखने के लिए मिलने वाला है। उसके साथ साथ यदि आपके लिए धन के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए, आपके राशि के धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति पूर्ण रूपेण दृष्टि संबंध बना रहे हैं और सूर्य देव भी महीने के मध्य तक राशि के धन भाव पर दृष्टि संबंध बना रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। लाभ भाव पर राहु देव की उपस्थिति बनी हुई है, तो इस दौरान
विदेशों से धन लाभ प्राप्त होने का विशेष योग दिखाई दे रहा है। जो जातक आयात निर्यात से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य करते हैं उनके लिए स्थितियां बेहतर रहने वाली है। आर्थिक मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए धन के आगमन की प्रबल संभावना बनने वाली है, लेकिन यह समय यदि आप शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करने जा रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहतर नहीं रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में खर्चों में अधिकता भी काफी ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है, तो भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय खराब ना हो इसके लिए धन का सोच विचार कर व्यय करने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए पारिवारिक जीवन के मामले में महीने की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति काफी ज्यादा प्रभावी हैं। पारिवारिक संबंधों में स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली है। पूर्व के समय से यदि आपके जीवन में लगातार कलह पूर्वक स्थितियां या लड़ाई झगड़े पूर्वक स्थितियां पारिवारिक जीवन में चल रही थी, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों का सामाजिक दायरा बढ़ेगा और परिवार के सदस्यों में समन्वय पूर्वक व्यवहार आपका देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए यहां पर मिथुन राशि के लिए यदि पूर्व के समय से पारिवारिक संबंधों को लेकर उतार चढ़ाव चल रहा था, उससे आपको काफी हद तक निजात देखने के लिए मिलने वाली है। शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों आपके राशि के पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव काफी शुभ स्थितियों में मौजूद हैं। यदि आप शिक्षण संस्थान में जुड़कर अध्ययन करना चाहते हैं या शिक्षा के क्षेत्र में यदि हायर एजुकेशन के फील्ड में जुड़कर आप अध्ययन कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। 15 तारीख के पश्चात स्थिति आपके लिए और भी बेहतर बनने वाली है, लेकिन मिथुन राशि वाले जातकों को, छात्र जीवन में जुड़े हुए जातकों को संगति के ऊपर ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। नकारात्मक पितृमंडलियों से आपको दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक संबंधों को देखते हैं। राशि के सप्तम भाव के स्वामी काफी ज्यादा शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं, तो दाम्पत्य जीवन के मामले में आपको काफी सकारात्मकता देखने के लिए मिलेगी। जीवन साथी के प्रति आपका समर्पित व्यवहार आपके दाम्पत्य सुखों में बढ़ोतरी के लिए सहायक रहने वाला है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातक, ऐसे जातक जो विवाहित हैं, उनके जीवन में वैवाहिक प्रस्ताव भी देखने के लिए मिलने वाला है। सेहत के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं बुधदेव और आपके राशि के छठे भाव के स्वामी, रोग भाव के स्वामी मंगल राशि के द्वादश भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो देखिए सेहत के मामले में इस महीने आपको सावधानी ज्यादा बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। बुधदेव 7 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक आपके राशि के अष्टम भाव पर गोचर करने वाले हैं, तो इस दौरान मिथुन राशि वाले जातकों को वाहन चलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। तले भुने भोज्य पदार्थों को खाने से बचना चाहिए और मानसिक रूप से किसी प्रकार के भूतकाल की बातों को सोचकर अपने ऊपर तनाव लेने से भी बचना चाहिए। सेहत के मामले में गंभीर किसी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। राशि स्वामी अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं तो यह सावधानी आपको रखना चाहिए। वहीं मिथुन राशि के जो जातक शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों का सेवन करते हैं तो इन सभी चीजों से भी आपको दूरी बनाकर चलना चाहिए, अन्यथा ये आपके जीवन में मानसिक स्थितियों में प्रतिकूलता और मानसिक तनाव को देने के लिए भी स्थितियां निर्मित कर सकते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ धार्मिक उपाय जिसको करके आप जीवन में अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों, प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना और सूर्य को जल अर्घ देना काफी बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ
हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। हनुमान मंदिर में जाकर यदि मंगलवार के दिन आप लाल चोला अर्पित करते हैं तो भी स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। घर में यदि किसी व्यक्ति का जन्मदिवस आ रहा है या इस महीने होता है तो नवीन वृक्षारोपण करने के लिए आपको उत्साहित होना चाहिए। और यदि आप घर से किसी दूरस्थ स्थान पर पीपल के वृक्ष का रोपण करते हैं तो इससे आपके जीवन में आपको सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।